एक छोटे से शहर से निकला ये एक्टर अब करता है बॉलीवुड की हसीनाओं से रोमांस। एक्टर दिलजीत दोसांझ अपना 35वां जन्मदिन मना रहे हैं। दिलजीत का जन्म 6 जनवरी 1984 को जालंधर में हुआ। दिलजीत ने अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत फिल्म उड़ता पंजाब से की थी। इसके बाद फिलौरी, वेलकम टू न्यूयॉर्क, सूरमा जैसी फिल्मों में वे बॉलीवुड की हसीनाओं के साथ रोमांस करते नजर आए। इनमें करीना कपूर, अनुष्का शर्मा, सोनाक्षी सिन्हा और तापसी पन्नू शामिल हैं। आइए जानते हैं दिलजीत की लाइफ से जुड़ी कुछ बातें। बेहद तंगी से गुजरा बचपन। दिलजीत के पिता पंजाब रोडवेज के रिटायर कर्मचारी हैं। उनकी माँ एक हाउसवाइफ हैं। दिलजीत का बचपन काफी तंगी से भरा हुआ था। इस बात का खुलासा दिलजीत ने करण जौहर के चैट शो कॉफी विद करण में किया था। पर्सनल लाइफ को रखते हैं दूर। दिलजीत अपनी पर्सनल लाइफ को काम से अलग रखते हैं। एक बार इंटरव्यू में दिलजीत ने कहा था कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में ज्यादा बात नहीं करता। आप लोग मेरे बारे में कुछ भी कहें, लेकिन मैं अपने परिवार के बारे में कुछ गलत नहीं सुन सकता। बता दें कि दिलजीत शादीशुदा हैं। सूत्रों के मुताबिक दिलजीत की पत्नी का नाम संदीप कौर है, जो बेटे के साथ अमेरिका में रहती हैं। वहीं एक फिल्म के प्रमोशन के दौरान दिलजीत ने एक अखबार से हुई बातचीत में कहा था, अच्छी अफवाह है, मेरे पास बहुत पैसा नहीं है जिसके कारण मैं खबरों में रही। दिलजीत भरोसेमंद लोगों के साथ काम करना चाहते हैं। उनका कहना है कि वे एक्शन फिल्में करना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ भरोसेमंद लोगों के साथ। मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूं। जो मुझे सुरक्षित रखकर एक्शन करवाएगा, उनके साथ मैं काम करना चाहूंगा। दिलजीत ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके लिए एक्टिंग से ज्यादा बढ़कर धर्म है। वहीं म्यूजिक उनके दिल में बसा है। दरअसल दिलजीत ने बताया था कि करियर के शुरुआती दौर में लोग उनसे कहते थे कि वे कभी एक फेमस एक्टर नहीं बन सकते। लोगों का कहना था कि उन्हें बाकी स्टार्स की तरह अपनी पगड़ी उतारनी होगी और कोई स्टाइलिश हेयर स्टाइल अपनाना होगा। मिडडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक तब दिलजीत ने कहा था कि मैं फिल्में छोड़ सकता हूं, लेकिन पगड़ी नहीं। एक बार जब इंटरव्यू में दिलजीत से पूछा गया कि बॉलीवुड और पायलीवुड में उन्हें क्या फर्क लगा, तो उन्होंने कहा कि पंजाबी और बॉलीवुड फिल्मों में सबसे बड़ा अंतर पैसों का है। बॉलीवुड में बहुत पैसा है, जबकि पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में कम है। सबसे बड़ी बात, पंजाबी जानने और समझने वाले लोग कम हैं, जिस वजह से पंजाबी फिल्मों को दर्शक भी कम मिलते हैं। अब दर्शक कम हो तो अहमियत भी उतनी नहीं मिलती। हालांकि मेहनत दोनों में बराबर ही होती है।